तनावद में फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर बने बीफ लाइसेंस कार्ड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी आरोपी को फर्जी दस्तावेज बनाने में सहयोगियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। इसी को लेकर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने नगर में रैली निकालकर फर्जी बीफ लाइसेंस बनाने वालों के खिलाफ नारेबाजी की। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होकर थाना परिसर पहुंची, जहां कलेक्टर के नाम ज्ञापन तहसीलदार बीएम बामनिया को दिया। ज्ञापन में लिखा था कि फर्जी बीफ लाइसेंस मामले में मुख्य आरोपी पर पुलिस ने कार्यवाही तो कर दी है, पर उसके बताए हुए कांग्रेस का पार्षद संदिग्ध है, उन पर कार्यवाही नहीं हुई। इस ज्ञापन के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि आरोपी नावेद पिता वाहिद ने जिन लोगों के नाम बताए हैं उन लोगों पर कार्यवाही की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। एक सप्ताह में अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो संगठन नगर बंद धरना आंदोलन और जेल भरो आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। ये 2-3 माह पूर्व जो हमारे संज्ञान में आया था विश्व हिंदू परिषद के, कि सनावत के नगर पालिका द्वारा कुछ पार्षदों द्वारा सीएमओ की फर्जी साइन कर एक बुचड़खाने का निर्माण किया गया है और इसकी एनओसी जारी की गई है। इसके पश्चात हमने नगर पालिका जानकारी मांगी तो नगर पालिका द्वारा जानकारी दी गई कि परिषद में इसका प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, डायरेक्ट ये फर्जी साइन करके कुछ लोगों द्वारा पैसे का लेन देन करके आवेदन ये लाइसेंस जारी किया गया था। उसके पश्चात हमने फिर उसकी पूरी रिपोर्टें निकाली, उसके बाद प्रशासन से मांग करी और एक ज्ञापन दिया कि ये जो फर्जी लाइसेंस है निरस्त हो और जो जो भी इसके दोषी हो उन पर मुकदमा दर्ज हो, अन्यथा उसमें जो आरोपी जिसने मांग करी थी लाइसेंस की उस पर तो मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने चंद पैसों की लालच में आकर हिंदू समाज को जो कलंकित किया है उन लोगों पर कार्रवाई के लिए हम तीन आरोपी ने किसी का नाम उजागर किया है? आरोपी ने कुछ पार्षदों का नाम उस शपथ पत्र में दिया गया है जो प्रशासन के पास में रखा हुआ है। कौन क्या शपथ पत्र आपको भी मिला है क्या उसका? नहीं, उसका शपथ पत्र हमारे पास नहीं है। हाँ, मिला हुआ है हमको। कोई नाम उजागर है तो नाम बताए उनका। परिहार का नाम है, उसके द्वारा बोले लेन देन किया गया है। इसके अंदर आपने अभी जो नारे लगाए थे कांग्रेस के दलालों को, तो क्या मामला था वो? तो जो राजन परिहार है वो शायद कांग्रेस से संबंध रखते और कांग्रेस के पार्षद है शायद वो। अगर कार्रवाई नहीं तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई नहीं होती है तो 10 दिन पूर्व हम ये थाने के सामने का धरना प्रदर्शन करेंगे और धरने के बाद में नगर बंद का आह्वान करेंगे। इस संबंध में टीआई राजेंद्र सोनी ने बताया कि फर्जी बीफ कांड के मुख्य आरोपी नावेद पिता वाहिद को 4 धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। 1 दिन का रिमांड लिया गया, उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जांच कर रहे नावेद पिता वाहिद के पास से फर्जी लाइसेंस बनाने के दस्तावेज पाए गए। जिन लोगों के नाम नावेद के पिता ने शपथ पत्र देकर दिए हैं अगर उनके साक्ष्य मिलते हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, ये प्रकरण 420, 467, 468, 471 आईपीसी में पंजीबद्ध किया गया। नकली प्रपत्र तैयार करना, उसका उपयोग करना और उसके द्वारा ठगी करना, उसने नवेद ने ये कृत्य पूरे किए, इस बात के हमारे पास में दस्तावेजी साक्ष्य है। आवेदक पक्ष इस बात को लेकर संतुष्ट इसलिए नहीं है कि उनका मानना है कि नवेद के पिताजी ने एक एफिडेविट दिया है कि इसमें अन्य लोग भी इन्वॉल्व हैं, उनको ही मुलजिम बनाया जाए। यह एक ऐसा प्रकरण है जो दस्तावेज की साक्ष्य के ऊपर चलता है। एफिडेविट दे देने से मैं उन व्यक्तियों के खिलाफ 420, 467 का प्रकरण पंजीबद्ध करूं या उनको मुलजिम बनाऊं, यह तात्कालिक रूप से इमीडिएट संभव नहीं है। उनका इन्वॉल्वमेंट है अथवा नहीं है कितना, इस बिंदु पर लगातार जांच चल रही है। अभी पूर्व नगर पालिका के जो सीएमओ थे उस वक्त के, वो परसों आके आए थे यहाँ पे, उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर लिए गए, पूरा रिकॉर्ड नगर पालिका का जब्त किया गया। यदि संलिप्तता किसी की पाई जाएगी, वो किसी भी समाज धर्म विशेष का हो, इससे पुलिस को कोई लेना देना नहीं, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन संलिप्तता पाए जाने पर, संलिप्त